चित्तौड़गढ़ में नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ 15 पार्षदों ने जिला कलेक्टर के सामने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। 20 वार्डों वाली कपासन नगरपालिका में एक पार्षद की मौत के बाद 19 पार्षद हैं और इनमें 15 पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष दिलीप व्यास के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। यहां भाजपा का बोर्ड है और भाजपा के पार्षदों ने ही ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। पार्षदों का कहना है कि दिलीप व्यास के कार्यकाल में कपासन नगर पालिका में किसी तरह का विकास कार्य नहीं कराया गया। इस मौके पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश जाट और कपासन पंचायत समिति प्रधान भैरूलाल जाट भी मौजूद रहे। पंद्रह लोगों ने यहां पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। भाजपा और कांग्रेस के दोनों सदस्यों ने मिलकर नगर हित को देखते हुए हमें यह अविश्वास का प्रस्ताव लेना पड़ा। समस्या सबसे बड़ी ये है कि नगर आज विकास को तरस रहा है। हम हमेशा से मुद्दे उठाते रहे विकास के, तो हमारे को ये काम कराना, पर कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण हमने इस अविश्वास प्रस्ताव की तरफ मोड़ लिया और आज कलेक्टर साहब के सामने हम पेश हुए और नीतिगत कार्य नहीं हो रहे, इस कारण हमने यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।